आज हम जानेंगे बेस्ट बिरयानी हैक्स। बिरयानी अच्छी क्यों नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जबरदस्त से हैक्स जानेंगे बिरयानी अच्छी बनाने के लिए। नंबर वन, हमेशा बिरयानी कुकिंग ऑयल में बनेगी, कभी भी घी में बनाने की गलती नहीं करनी, क्योंकि घी की वजह करती है चिप 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 चिप, जबकि ऑयल जमता नहीं है, तो इसलिए फ्रेश फ्लेवर लगता है बिरयानी का। नंबर टू, प्याज को ब्राउन करेंगे आप। ब्राउन करने के बाद उसको दही के साथ ग्राइंड करेंगे, दिस इज मस्ट। प्याज को कभी वैसे नहीं रहने देना आपने बिरयानी में, हमेशा ग्राइंड करके डालना है, वो भी दही के साथ। तीन, बिरयानी में ज़बरदस्त वाला गरम मसाला डलता है, और वो सारी चीज़ें डालनी ज़रूरी होती हैं ताकि आपको एरोमा और टेस्ट मिले, ठीक है। गरम मसाला आपको नज़र भी आ रहा है, वरना आप बिरयानी बाय लव टू कुक लिख के सर्च करें, आपके सामने बिरयानी बिरयानी हो जाएगी, और सारे मसाले उसमें नाम समेत मैंने आपको बताए, ठीक है। बिरयानी में आलू बुखारा ज़रूर डलेगा, उसके फ्रूटी फ्लेवर के लिए और बिरयानी को खट्टा करने के लिए। कई लोग इमली डालते हैं, लेकिन इमली ड्रामेबाजी है, आलू बुखारा ज़रूरी है। उसके लिए जब पानी उबालेंगे तो टका के उसमें आपने गरम मसाला डालना है, ठीक है। क्वांटिटी बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरी रेसिपीज़ में, और उस पानी में नमक भी आपने टका के डालना है, ठीक है। खारा पानी होना चाहिए जिसमें आप चावल उबालेंगे, तभी वो अच्छे उबलेंगे। गर्म मसाला डालने के बाद आपने जब उबाल आ जाए तो उसको 3-4 मिनट पकने देना है। अगली टिप के लिए, आपने जब गोश्त आपका गल जाए, पक जाए, तो उसके ऊपर से ऑयल आराम सुकून से उतार लेना है, और उस ऑयल को आप एंड में दम लगाते हुए ऊपर से डालेंगे। टिप नंबर सेवन, कीप टेस्टिंग, ज़रूर टेस्ट करें बीच बीच में नमक मिर्च हर चीज़ खटाई शटाई, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सकें, इससे पहले कि वो प्लेटों में डल के सर्व हो जाए और फिर आपको पता चले अच्छा ये कम रह गया। लगाते हुए बिल्कुल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, और जब दम खोलें उतारें तब भी आराम से इजी होके आराम से बिरयानी को मिक्स करें। इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है, जल्दियों जल्दियों में चावल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि बिरयानी का जो है वो थोड़ी ज़्यादा देर दम पर अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा खुशबूदार होगी, और दम जब आपका हो चुके तो उसके बाद भी उसको थोड़ी देर ढक्कन बंद किए पड़ा रहने दें, ताकि खुशबू अच्छे से रच बस जाए गोश्त की और चावलों की आपस में। हाँ जी, ये सारी टिप्स ट्राई करें, और कैसे बिरयानी मज़े की ना बने ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिरयानी की ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखने के लिए लव टू कुक बिरयानी बाय लव टू कुक लिखें, ज़बरदस्त सी बिरयानीज़ आपके सामने आ जाएंगी। सिंधी बिरयानी, जौन सी भी बिरयानी बनानी होगी, ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें अपनी भी कोई टिप, और ये वाली टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कल एक और अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जल्दी जल्दी लाइक करें मेरी वीडियो को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।